दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इंसानी जीवन के लिए चार ऐसी बातें बताई हैं जिसे हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, अन्यथा उनका कहना है कि ये बातें अगर किसी दूसरे को शेयर करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं चार बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो चाणक्य ने बताया है, जिन बातों को कभी भी हमें दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आए और चाणक्य द्वारा कही गई उन बातों पर हम अमल करके अपने नुकसान से बचाव कर सकें। कि चाणक्य नीति के अनुसार अपनी किसी भी कार्य योजना से जुड़ी कोई भी बातें किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि आप अपनी कार्य की योजना किसी दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं तो इससे आपकी असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई योजना का लाभ वो दूसरा व्यक्ति उठा सकता है जिसके साथ आपने साझा किया है, और हो सकता है कि आपके पास समय ना हो और अपने बनाए हुए योजना के ऊपर आप खुद ही अमल ना कर पाएं, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपने जो भी योजना अपने किसी भी कार्य के लिए बनाया है तो उसे अपने पास ही रखें जब तक कि उसे पूरा नहीं कर देते। दूसरे पॉइंट में चाणक्य कहते हैं, यदि आपके परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो इसे भी बाहर के लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपमान सहना पड़ सकता है और आपके रिश्तों में भी करवाहट आ सकती है, और दूसरे लोग भी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने परिवार की गुप्त बातें किसी दूसरे के साथ साझा ना करें। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में चाणक्य ने पति पत्नी से संबंधित कुछ बातें बताई हैं जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी पति और पत्नी के बीच में जो वार्तालाप होता है उसे किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए, और इन बातों को पति पत्नी को अपने बीच में ही सीमित रखना चाहिए। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा करते हैं या फिर झगड़ा हो जाता है तो इसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके मान सम्मान में कमी होने लगेगी और हो सकता है कि आगे चलकर आपको अपमान भी सहना पड़े। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में जो बातें हुई है उसे साझा ना किया जाए, उसे अपने पास ही रखा जाए। दोस्तों, अगले पॉइंट में यानी कि आखिरी पॉइंट में चाणक्य ने जो कहा है उसको हम इसी वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का दबा लीजिए, क्योंकि जेके मानव मंत्रा ऐसे ही वीडियोज लेके आते रहता है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट पहुँचाते हैं। दोस्तों, आखिरी पॉइंट में चाणक्य कहते हैं, यदि आप किसी स्थान पर अपमानित हुए हैं तो उसकी चर्चा किसी के साथ भूलकर भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बाहर से आपको साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे प्रसन्नता भी होगी जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर होता है कि यदि आप किसी जगह पर अपमानित हो गए हैं या किसी दूसरे द्वारा किए गए हैं तो उसे अपने पास ही सीमित रखें, इसका जिक्र भूल कर भी किसी के साथ ना करें, क्योंकि लोगों को बस एक मौका चाहिए और वहीं पर आपकी इज्जत को उछाल देंगे। तो दोस्तों, इन चारों पॉइंटों को हम लागू करके यानी कि इन पॉइंटों पर ध्यान रख के अपने जीवन में अपमान होने से बच सकते हैं, बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के बाद आप भी इन सारे पॉइंटों पर ध्यान रखेंगे और अपने बड़े नुकसान से अपने आप को बचा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और वीडियो को आप देख पाएंगे।